नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है और इस महामारी के दौर में हम सभी अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। इसी को लेकर नोएडा सेक्टर 128 शाहपुर गांव में एक निशुल्क स्वास्थ्य और दंत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आने वाले मरीजों का परीक्षण डॉक्टर शिवानी जनार्दन और डॉक्टर एस मंजरी मिश्रा ने किया। इस दौरान मरीजों को दांत स्वस्थ रखने की जानकारी दी गई और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। आपको बता दें, इस स्वास्थ्य शिविर में बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट उमेश अहिरवार, सेकेंड मुस्कान यादव और थर्ड खुशी सिंह रही। वही जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट निशु, सेकेंड मानसी और थर्ड प्राइज कृष्णा यादव को मिला। इस स्वास्थ्य शिविर में काफ़ी लोग अपनी समस्या लेकर भी डॉक्टर से बातचीत की। इस स्वास्थ्य शिविर में पार्टनर के रूप में ग्लैमर मंत्रा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन, एम केयर क्लिनिक, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर एवं वोमेन वैलेंस क्लिनिक ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर शिवानी जनार्दन स्माइल मेक ओवर क्लिनिक के ऑनर हैं, जो अपने क्लिनिक में जरूरतमंद लोगों को हमेशा से मदद करते आए हैं और आए दिन नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कैंप भी लगाते आई हैं। इनका कहना है कि हम पॉकेट फ्रेंडली इलाज करते हैं, इसी वजह से कई संस्थाओं ने भी इनको सम्मान दिया है एवं कोरोना काल में अच्छे कार्य के लिए भी कई संस्थाओं ने कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मान दिया है। निशुल्क कैंप के साथ साथ दांतों से जुड़ी समस्याओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत जाने माने कई प्ले स्कूल और सोसाइटी और सामाजिक संस्थाओं में समय समय पर स्वास्थ्य व दंत शिविर आयोजन कराए हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों में कोरोना महामारी के दौरान दांत से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया व उनके बचाव के लिए लोगों को उचित मार्गदर्शन भी किया। ये जो फ्री मेडिकल चेकअप था, ये मैंने कोविड के बाद जनरल हेल्थ के लिए रखा था और साथ में डेंटल डिजीज़ जो कोविड के दौरान निकल के आई माइसोसिस, और इसके लिए मैंने जनरल प्रिकॉशन, मुझे लगा कि मुझे बच्चों को बताना चाहिए स्पेशली कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, उनके लिए माउथ गार्गलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ब्रश करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उन्हें अपनी हेल्थ का क्यों केयर करनी है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं, जो इम्यूनिटी पे फोकस, बच्चों की फूड डाइट पे फोकस हैं, उन सब के लिए मैंने रखा था, क्योंकि कोविड का इतना लंबा टाइम हो गया था, सारे बच्चे अपने घर में लॉक हो गए थे, अभी स्कूल भी कम्प्लीटली नहीं खुले थे, तो एक एक्टिव पार्ट में उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने रखा था। और टॉपिक भी हम लोगों ने कोविड कोरोना वायरस पे ही दिए थे बच्चों को। इससे हमें ये भी पता लगा कि बच्चे आज की डेट में अवेयर तो बहुत हैं, लेकिन अब जो थर्ड लहर आ रही है वो बच्चों की कोविड-19 ओमिक्रॉन की आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चे अभी भी ब्लैंक हैं, उन्हें सिर्फ अभी पुराना नॉलेज ही पता है। जबकि अब देखा जाए तो ये जो थर्ड वेव में है, ये सिम्टम्स बिल्कुल अपोजिट हैं, डायग्नोस ही नहीं हो पा रहे, साइलेंटली बच्चों को हो रहा है। तो इसलिए ये कोविड पार्ट में डेंटल हेल्थ चेकअप था, अवेयरनेस पार्ट में, जिससे बच्चों को मैं जागरूक कर सकूं आने वाली थर्ड लहर के लिए। इसमें लगभग कितने लोगों ने मतलब चेकअप करवाया? नंबर ऑफ काउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 150-200 बच्चे इन्वॉल्व थे इस चेकअप में। हमने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, हमने 40-50 बच्चे एक्सपेक्ट किए थे, पर जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पर 100 बच्चे ऑलरेडी थे, धीरे धीरे इन्वॉल्व करते हुए वो 150 से क्रॉस हो गए। तो ये फ्री था या चार्जेबल था? सर, ये क्योंकि रूरल एरिया में था तो इसको हमने निशुल्क ही रखा था। और आगे कहीं लगाने वाले हैं कैंप, तो उसके बारे में कोई जानकारी अगर आप दे सकते हैं? ये मेरा थर्ड कैंप था और अब मैं कंटिन्यूस लगाती जाऊँगी, क्योंकि मेरी एक कोशिश रहती है कि ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी मैं, मेरी जो एक ड्यूटी है वो समाज के लिए है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लगातार ये कैंप करती जाऊँ। और मैं एवरी संडे नोएडा, क्योंकि मेरा रीज़न ये क्षेत्र जो है वो नोएडा है, तो मैं नोएडा में लगाती चली जाऊँगी। आप एक डेंटिस्ट हैं, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहें?
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9212948285 है। मेरा क्लिनिक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, स्माइल मेकओवर क्लिनिक नोएडा के नाम से है। साथ में मैं सोशल मीडिया पर समय समय पर आती रहती हूँ। मेरा फेसबुक का पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम का पेज बना हुआ है, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप जब ऑनलाइन मुझे सर्च करेंगे तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी सारी वेबसाइट सब कुछ ओपन है, कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पोर्टल है, वोकल ऐप पर मैं अवेलेबल हूँ, बजाज हेल्थ पर मैं पेशेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मैं नोएडा के बाहर के भी ऑल इंडिया सारे पेशेंट्स को वहाँ पे हैंडल करती हूँ। और जो भी मेरी तरफ से पॉसिबल हो सकता है, मैं अपनी सर्विसेज या एक सही गाइडलाइन उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ, सही कंसल्ट करती हूँ।